Hello everyone, how are you class? I hope you all are fine and safe at your home. Children, today we discuss about the third type of a quantum number, that is the magnetic quantum number, right? हम लोग ने लास्ट वीडियो में किसके बारे में डिस्कशन किया था? दो टाइप के बारे में डिस्कशन कर लिया था, that is the principal quantum number which is represented by N and the azimuthal quantum number which is represented by L, right children? Okay, today we learn about the magnetic quantum number. Okay children, and as we all know, this magnetic quantum number is represented by a small m or the ML, right? Or ML. So this is the representation of magnetic quantum number. So as we all know, before starting the video, you have to like this video, share this video and subscribe to my channel, press the bell icon, right children? Now come to the topic. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, द वर्ड इज यूज्ड और डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द वर्ड दैट इज द ज़ीमेन इफेक्ट, राइट? वी डिस्कस अबाउट द ज़ीमेन इफेक्ट, इज दिस क्लियर? हम लोग ने ज़ीमेन इफेक्ट के बारे में बात करी थी. ज़ीमेन इफेक्ट में हम लोग ने क्या देखा था कि ज़ीमेन इफेक्ट में मैग्नेटिक के बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन में कैसे डिफरेंस आता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इज दिस क्लियर? और उसमें हम लोग देखेंगे ये क्यों डिराइव किया गया था, ये उसी के लिए डिराइव किया गया था. ओके, ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये सिंपली एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और एम एल से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसके देखिए वैल्यू जो डिराइव की जाती है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ एल पे, वैल्यू ऑफ एल पे. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? एल मीन्स द एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट चिल्ड्रेन? व्हाट इज द एल? एल मीन्स बेसिकली द एजीमुथल क्वांटम नंबर. This is the azimuthal quantum number, right? अब यहाँ पे देखिए ये value n पे कैसे depend करती है? N पे depend करती है कि basically यहाँ पे एक simple सा formula होता है. जैसे हम लोग ने l की value calculate करने के लिए formula मैंने आपको बताया था, same condition होती है m के value formula calculate करने के लिए, that is the 2l plus 1. This is the value or the formula which we use to calculate the value of m, right? अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू होती है m की वैल्यू होती है, ये m की वैल्यू वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक. ये कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, ये मे बी, इट मे बी द जीरो, राइट? ये जीरो भी हो सकता है, कोई इंटीजर भी हो सकता है. अब यहाँ पे देखिए सपोज करिए, लेट अस सपोज अगर यहाँ l की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर l की वैल्यू जीरो होती है तो यहाँ m की वैल्यू भी कितनी होती है? जीरो. इट मीन्स दैट यहाँ देखिए सिंपल से क्या चीज़ बताने चाह रहे हैं हम, सिंपल ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अगर L की वैल्यू जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे देखिए अगर L की वैल्यू जीरो होती है तो यहाँ पे कौन सा शेल प्रेजेंट होता है? सब शेल प्रेजेंट होता है, S सब शेल प्रेजेंट होता है, राइट? और एज वी ऑल नो चिल्ड्रेन, S सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं? वन ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है. और यहाँ पे m की वैल्यू भी कितनी आई है? वन आई है. तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज द s सब शेल, राइट? दिस इज s सब शेल. ओके चिल्ड्रेन, नाउ सपोज व्हेन वी टेकिंग द l इज इक्वल्स टू 1, अगर हमने l की वैल्यू 1 ले लिया, अब यहाँ पे 2l plus 1 के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 2 into 1 plus 1. अब यहाँ पे देखिए 2 into 1 plus 1 क्या हो जाएगा? Total 3 orbitals. It means that the value of m is 3. So it means that there are how many orbitals? 3 orbitals are there, right? How many orbitals are there? There are 3 orbitals. And as we all know how many, in which subshell the 3 orbital is present, that is the p subshell. और यहाँ जब l की value 1 होती है तो कौन सा subshell होगा? p subshell होगा. It means that यहाँ पे जो p subshell होता है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे l की वैल्यू कैसे वेरी करेगी? l की वैल्यू वेरी करेगी 0 प्लस 1 एंड द माइनस 1, राइट? p ऑर्बिटल में m की वैल्यू 0 हो सकती है, प्लस 1 हो सकती है, माइनस 1 हो सकती है. इट मीन्स दैट 3 ऑर्बिटल्स, देखिए 3 ऑर्बिटल्स हो गए. अब यहाँ पे p ऑर्बिटल के हम नाम भी तो जानते हैं, px, py एंड pz. ये 3 ऑर्बिटल्स इंक्लूड होते हैं पी ऑर्बिटल में, पी सबशेल में, ठीक है? ये सभी को समझ में आया? अब लेट अस सपोज करिए थर्ड वाला हम ले लेते हैं, एल इज इक्वल्स टू 2 है. अब सपोज करिए एल इज इक्वल्स टू 2 होगा तो क्या होगा? यहाँ पे सब वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1. अब 2 इंटू 2
5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे. इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे देखिए L की वैल्यू अगर 2 होती है तो कौन सा सबशेल पार्टिसिपेट करता है? D सबशेल पार्टिसिपेट करता है, राइट? दिस इज द D सबशेल. अब D सबशेल जो पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पे D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? 5 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे. ये हो गए आपके 5 ऑर्बिटल्स. अब L की वैल्यू कैसे, सॉरी M की वैल्यू कैसे वेरी करेगी? देखिए सबसे पहले सेंटर में लिख देते हैं 0. अब यहाँ पे प्लस 1 होगा, यहाँ माइनस 1 होगा, यहाँ प्लस 2 होगा तो यहाँ पे माइनस 2 होगा, राइट? ये होते हैं 5 ऑर्बिटल. अब D में 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? वन इज द डी एक्स वाई, अनदर इज द डी वाई जेड, द थर्ड वन इज द डी जेड एक्स, फोर्थ वन इज द डी जेड स्क्वायर एंड फिफ्थ वन इज द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं. इसी तरीके से अगर हमने L की वैल्यू फिर से चेंज कर दी, L की वैल्यू 3 कर दी, तो वहाँ पे M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, राइट? सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट, ओके चिल्ड्रेन? नाउ कम टू द फोर्थ टाइप, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर. देखिए ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं किया गया था, ये सिंपली बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसे होती है, राइट? इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के अकॉर्डिंग स्पिन क्वांटम नंबर का फोर्थ टाइप दिया गया था, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बेसिकली द स्मॉल s, राइट? अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर सिंपली होता है जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन्स बताता है. इट मींस दैट अब अगर आपका ये सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, राइट? अब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो वो अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक अ प्लैनेट, जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करता है. अब जैसे देखिए अर्थ जो होती है, अर्थ सन का भी सन को भी रिवॉल्व करती है, सन का भी चक्कर लगाती है, साथ में वो खुद भी रिवॉल्व करती है. एकदम सिमिलर ऐसे ही होते हैं इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का भी पूरा गोल घूमते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन्स की खुद की भी स्पिन होती है, वो खुद भी रिवॉल्व करते हैं. अब ये जो रिवॉल्यूशन होता है, ये जो स्पिन चेंज होती है, ये स्पिन चेंज का डायरेक्शन होता है वो बेसिकली हाफ स्पिन होता है, मतलब उनकी जो डायरेक्शन होती है वो हाफ में रोटेट करते हैं. तो ये या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, राइट? या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है? इट मींस दैट अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, राइट? अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो इट मींस दैट यहाँ पे स्पिन की वैल्यू कितनी होगी? प्लस हाफ होगी. तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट? आप ऐसे रिप्रेजेंट करिए, आप ऐसे रिप्रेजेंट करिए, दोनों में से कोई भी एक करिए, मैटर नहीं करता. अगर यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने में क्या होगा? यहाँ पे स्पिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस हाफ. इट मींस दैट ये इस तरीके से हैं. तो अगर सपोज करिए यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल है, उसमें एक स्पिन ऐसे प्रेजेंट है, दूसरे स्पिन ऐसे प्रेजेंट है, इट मींस दैट ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, ये ऑर्बिटल हो जाता है न्यूट्रल. तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी प्रोवाइड करता है. सो दिस इज द स्पिन क्वांटम नंबर. अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ये सबको समझ में आ गया स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? ओके चिल्ड्रेन, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ओके नाउ सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज डिजाइनेट द इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेट ऑफ क्वांटम नंबर, द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर. अब आपको यहाँ पे चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन किस सेट ऑफ क्वांटम नंबर में, मतलब उसके ऑर्बिटल्स कैसे होंगे. अब पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. पहले में देखिए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, सोल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट का सोल्यूशन हम देखने जा रहे हैं. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो हम क्या लिख देंगे? 2, राइट? 2 मीन्स द सेकेंड शेल. अब सेकेंड शेल में L की वैल्यू क्या है? 0 है. अगर L की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा सबशेल होता है? दिस इज द सेकंड सबशेल, राइट? तो 2s हो गया. M की वैल्यू 0 है, इट मींस दैट हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? ओनली वन ऑर्बिटल आर देयर, इट मींस दैट दिस इज द वन ऑर्बिटल, राइट? अब यहाँ पे s की वैल्यू प्लस हाफ है. अब प्लस हाफ होगा तो इट मींस दैट ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है,
राइट, समझ में आया? तो 2s में इलेक्ट्रॉन है, 2s में इलेक्ट्रॉन कैसे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, प्लस हाफ है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ कम टू द सेकंड सॉल्यूशन. अगर n की वैल्यू 3 है तो इट मींस दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, सो वी राइट द 3. इट मींस दैट द थर्ड शेल, थर्ड सबशेल. अब यहां पे देखिए l की वैल्यू कितनी, थर्ड शेल है ये, l की वैल्यू कितनी है, 1 है. 1 के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, p सबशेल यूज करते हैं, तो ये हो गया 3p, राइट. अब m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 मींस अब 3p है, इट मींस दैट हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर, देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, 0 प्लस 1 माइनस 1, राइट. दिस इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, m सॉरी, ठीक है, m की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, प्लस 1, 0, माइनस 1. यहां पे m की वैल्यू कितनी दी गई है, प्लस 1, इट मींस दैट हम इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं. s की वैल्यू कितनी है, प्लस हाफ है, तो इट मींस दैट s ऑर्बिटल में, फर्स्ट ऑर्बिटल में, 3p के फर्स्ट ऑर्बिटल में, मतलब px में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. इज दिस क्लियर टू यू ऑल चिल्ड्रेन? सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द डिफरेंट क्वांटम नंबर व्हिच वी हैव गिवन इन योर एग्जामिनेशन. जैसे आपके एग्जामिनेशन में आता है तो हम इस तरीके से क्रैक करते हैं. इसमें से आपको कोई भी अगर एक और दो वैल्यू भी गिवन है, एक वैल्यू भी गिवन है, तो हम बाकी सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रेन, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. I hope you understood this video. You understood all the things, all the terms, all the type of quantum number. Okay, children? Thank you, class.